कि थंबनेल से समझ में आ गया है, आज हम लॉ की दो नई टर्म समझेंगे, फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, और देखेंगे आगे क्या क्या लिखा है। ठीक, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोविजो। देखो प्रोविजो वर्ड को अगर आप बेयर एक्ट में रीड करोगे तो कहीं पर भी बेयर एक्ट में, बेयर एक्ट मतलब ओरिजिनल लॉ जो पार्लियामेंट से या स्टेट असेंबली से पास हुआ है, ठीक, तो जो ओरिजिनल एक्ट होता है उसमें प्रोविजो वर्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ देखिए मैं रीड करता हूं, मैं यहां पर बेस ले रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 3, प्रोविजो को डिफाइन करने के लिए सेक्शन नंबर 3 मैंने डिफाइन करी। अब सेक्शन नंबर 3 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये तो पहले डिफाइन करता है प्रीवियस ईयर क्या होता है, हम इनकम टैक्स समझने नहीं बैठे, हमको प्रोविजो समझना है। तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नंबर 3 में पहले प्रीवियस ईयर वर्ड को जो जनरल मीनिंग होता है उसे डिफाइन किया, पर बहुत बार एक्ट को लगता है कि यार जो मैं जनरल मीनिंग ले रहा हूं ना, हो सकता है ये जनरल मीनिंग को मैं टर्न कर दूं। नहीं, जनरली ध्यान से सुनना, जो लिखा है वो करेक्ट है, गलत नहीं है, जो लिखा है वो करेक्ट है, पर कभी कभी एक्ट को लगता है कि जो मैंने बोला मैं अपनी ही बात को टर्न करूं, तो यस एक्ट के पास ये परमिशन होती है और एक्ट अपनी बात को किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर टर्न करना चाहे तो यस वो टर्न कर सकता है, और जब टर्न करेगा तो वर्ड यूज करेगा प्रोवाइडेड दैट, और प्रोविजो एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते, अगला प्रोविजो होगा तो फर्दर प्रोवाइडेड आ जाएगा। ठीक बेटा, चलिए होप सो यहां तक की बात समझ में, अब ध्यान से समझना, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, मैं बेसिक सा एक मीनिंग समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। उन्हें बोला प्रीवियस ईयर मतलब क्या, वैसे इनकम टैक्स एक्ट में एक फर्स्ट ईयर और इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर, टू ईयर्स का रोल होता है इनकम टैक्स में। एक ईयर होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप जो इनकम अर्न करते हो ना, जो इनकम कमाई है, जो इनकम अर्न की है, उस इनकम का कैलकुलेशन और टैक्स का कैलकुलेशन जिस पर्टिकुलर ईयर में होता है वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। पर ये कौन सी इनकम का असेसमेंट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, तो वो इससे इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम अर्न होती है उस इनकम का सक्सीडिंग ईयर में कैलकुलेशन होता है। अर्निंग वाला ईयर ये कहलाता है और असेसमेंट वाला ईयर ये कहलाता है। होप सो इनकम टैक्स आप सभी जानते होंगे, एक साल पैसा कमाओ अगले साल जाके उसका टैक्स डिपॉजिट करो, तो ये ईयर होता है प्रीवियस ईयर। अब देखो लॉ ने टर्म यूज करी मींस द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर तो होता है जो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ, मतलब कोई से भी ईयर की बात कर सकते हैं, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और इमीडिएट सक्सीडिंग 31 मार्च को वो एंड होता है। ठीक, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर वो जो फाइनेंशियल ईयर हो, सॉरी प्रीवियस ईयर वो जो फाइनेंशियल ईयर हो। क्लियर, एक्ट ने बोला सर असेसमेंट ईयर से इमीडिएट प्रीसीडिंग होल फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर। क्लियर, पर एक्ट को लगा नहीं, जरूरी नहीं है कि होल फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर बने, तो एक्ट ने अपनी बात से टर्न ले लिया और उसने यूज करा प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट, और उसमें बोला कि जैसे मान लीजिए यार आज की डेट है, मान लेते हैं 22 मई 2022, ठीक 22 मई 2022, 22 मई 2022 से मैंने मेरे बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मैंने तो इनकम आज से कमाना स्टार्ट करी, और इस इनकम को जब मैंने आज से कमाना स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल से लेकर 21 मई तक तो मेरे पास कोई इनकम थी ही नहीं। मतलब एक्ट को ये चीज रियलाइज हो गई कि होल ईयर कोई पर्सन इनकम कमाए जरूरी नहीं है, उसका इनकम का सोर्स तो पहली बार जनरेट हुआ, जब पहली बार किसी पर्सन का इनकम का सोर्स जनरेट होता है तो उसके लिए उसने क्लियर करा कि जरूरी नहीं है उसका होल प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर बने। पॉइंट क्लियर, मतलब जो उसका प्रीवियस ईयर है वो होल फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर बने, उसका पार्ट फाइनेंशियल ईयर भी प्रीवियस ईयर बन सकता है। मतलब एक्ट ने यहां पर बोला कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर
और सेकंड पेरा में उसने अपनी बात से टर्न ले लिया। होप सो प्रोवाइजो वर्ड क्लियर। चलिए अगली टर्म पर आते हैं, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और सेक्शन। ठीक, मैं वापिस से हेल्प ले रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट की और सेक्शन नंबर 115 BAC। ओके, अगेन सेक्शन नंबर 115 BAC सबसेक्शन 1 बात क्या करती, ध्यान से देखना। पहले अपन रीड करते हैं, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। पूरे एक्ट में कहीं पर कुछ भी लिखा हो मुझे कोई मतलब नहीं। होप सो पॉइंट क्लियर, हम इसी पॉइंट का समझ नहीं है। ये जो सेक्शन 115 BAC, आप सभी को पता होगा कि इस बार इनकम टैक्स एक्ट ने हर पर्सन को दो तरह से इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का ऑप्शन दिया है, एक ओल्ड रेजिम और एक न्यू रेजिम। आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है, आप चाहे तो पुराने जो टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका था उस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करो या नए तरीके से करो। तो जब नए तरीके को अडॉप्ट करा एक्ट ने, तो एक्ट ने क्लियर करा कि पूरे एक्ट में कहीं पर कुछ भी लिखा हो मुझे उससे मतलब नहीं। पॉइंट क्लियर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब जब भी सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा आपका प्रोविजन इस टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब होता है यहां पर पूरे एक्ट वर्ड को यूज किया कि पूरे एक्ट में कहीं पर कुछ भी लिखा हो। चलिए एक और चीज आते हैं, इसमें एक पॉइंट और है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा इसी के साथ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 25। देखिए सेक्शन नंबर 25 अगेन इनकम टैक्स एक्ट की है। अगेन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 24, मतलब सेक्शन 115 BAC वो बात कर रही थी कि पूरे एक्ट को जाने दो मुझे कोई मतलब नहीं। मैं पूरे एक्ट को क्या कर रही हूं, ओवर रूल कर रही हूं, पूरे एक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं। और यहां पर क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 24, मतलब यहां पूरे एक्ट को नहीं, ये पर्टिकुलर सेक्शन को ओवर रूल कर रही है। सेक्शन नंबर 24, जैसा कि अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट समझा पढ़ा है तो आपको पता होगा ये हाउस प्रॉपर्टी हेड की एक सेक्शन है जिसमें डिडक्शंस मिलती है। छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान से समझना कि आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। सेक्शन नंबर 24 डिडक्शंस देती है, अगर आपने मकान बनाने के लिए, मकान के रिनोवेशन के लिए, अल्टरेशन के लिए किसी से लोन लिया है और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट अगर पे करते हो तो सेक्शन नंबर 24 में आपको डिडक्शन मिलता है क्लॉज बी के अंदर। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। अब एक्ट की सेक्शन नंबर 25 बोलती है कि सेक्शन 24 के क्लॉज बी में जो लिखा है मैं उसे ओवर रूल कर रही हूं, मतलब हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। अगर आपने जो इंटरेस्ट इंडिया के बाहर किसी पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो और उसके ऊपर अगर आपने TDS नहीं काटा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब सेक्शन नंबर 24 ने परमिशन दे दी, 25 ने मना कर दिया। पॉइंट क्लियर? मतलब उसने बोला 24 में क्या लिखा है मतलब नहीं है मुझे, मैं 24 के क्लॉज बी को ओवर रूल कर रही हूं, 25 में क्लियर लिखा है। होप सो दोनों टर्म्स क्लियर। चलिए मैं सेक्शन नंबर 115 BAC में जो लिखा था उसमें एक पॉइंट और था उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट को ओवर रूल किया और बट सब्जेक्ट टू बोले एक्ट में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन ऐसे होगा, पर कुछ को साथ में लेकर चलना है, पर कुछ को साथ में लेकर चलना है। पहले पूरों को साइड में कर दिया, बोले नहीं सब हटो, पर ने बोला नहीं मेरे साथ ये रहेगा। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर 12 यहां पर यूज है। ठीक, अगर रीडिंग करते हैं तो समझ में आता है चैप्टर 12। चलिए छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, सब्जेक्ट टू वर्ड को भी समझ लेते हैं। मतलब पूरे एक्ट को ओवर रूल करा पर उसने बोला नहीं चैप्टर 12 में जो प्रोविजंस लिखे हैं वो मेरे साथ रहेंगे। मतलब चैप्टर 12 जो इनकम टैक्स एक्ट का है वो बात करता है स्पेशल रेट से टैक्सेशन की। जैसे एग्जांपल के लिए अगर गैम्बलिंग से इनकम अर्न हुई है,
अगर क्रॉस हॉर्स रेसिंग से इनकम जनरेट हुई है, अगर आपकी कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, या 115A की इनकम है, 115, ठीक। तो एक्ट ये बोलता है जिस पर स्पेशल रेट से टैक्सेशन होता है ना, वो इनकम एज इट इज वैसे ही टैक्स लगेगी, उसको ओवररूल नहीं करना है। उसके अलावा जो अदर इनकम है वो इस तरीके से टैक्सेशन होगा। होप सो आपको प्रोवाइजो एंड नॉट विद स्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू वर्ड का मीनिंग क्लियर।